जितना फेमस बिहार में लालू यादव है उससे भी कहीं ज्यादा फेमस है बिहार में सत्तू। केवल 10-12 रुपए मिलने वाला ये देसी प्रोटीन शेक दिखने में भले ही आपको सिंपल लगे, लेकिन इसे बनाने का तरीका होता है बहुत ही बेहतरीन और स्वाद ऐसा कि पूरा बिहार इसका दीवाना है। तो अगर आपने कभी सत्तू बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो भैया क्या होता है सत्तू? सत्तू बिहार का देसी हॉर्लिक्स है। बिहार का देसी हॉर्लिक्स है। तो ये सत्तू की शुरुआत हो रही है बनने की। सबसे पहले इसमें प्याज डाली जा रही है, जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाला जा रहा है प्याज के बाद। और मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लासेस देख के हैरान हो गया हूँ। अब इसके बाद ये नमक डाल रहे हो भैया, और उसके बाद देखिए अब नींबू निचोड़ा जा रहा है। और नींबू के बाद भैया आप क्या आएगा इसमें? अच्छा अब सत्तू तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पे सत्तू बनाने की शुरुआत हो रही है अभी। सबसे पहले इसमें पानी लिया जा रहा है, तो पहले ढेर सारा पानी ले लिया है। और अब ये क्या डाला जा रहा है इसमें? चने की सत्तू। अच्छा ये चने की सत्तू है, पीसा हुआ चना। भुना हुआ चना। अच्छा भुना हुआ चना है, तो भुने हुए चने को इन्होंने पीस रखा है। अब इसमें देखिए भुना हुआ चने का आटा डालने के बाद नमक डाला गया है, और अब ये बढ़िया तरीके से फेंट लिया जाएगा। तो पिछले 25 साल से यहाँ पे सत्तू बना रहे हैं ये, और आप यहाँ पे क्वांटिटी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फेमस हो गए हैं। इतने ग्लास एक साथ लग रहे हैं। पानी भैया ठंडा रहता है या नॉर्मल वाला ही डालते हो? घड़ा वाला पानी ठंडा होता है। अच्छा ठंडा घड़े वाला पानी रहता है अपना। तो बिल्कुल नेचुरल चीजें मिल रही है, देसी। बर्फ नहीं डाला हो भैया इस पानी में? कितनी देर लगती है भैया इसको तैयार होने में? 15 से 20 मिनट तो फेंटा जाएगा। तो आपको दिखने में लग रहा होगा कि एकदम से फेंट के तैयार हो जाएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे फेंटने में कि कोई भी गांठ नहीं रहेगी, बिल्कुल एक जैसा बनेगा। पिछली 15 मिनट से लगातार फेंटा जा रहा है, और अब सत्तू अपना तैयार हो चुका है फाइनली। तो ये देखिए ग्लासेस में अब सत्तू डाला जा रहा है। अच्छा आधा ग्लास डाला जाएगा, फिर मसाला इसमें पड़ेगा। अच्छा फिर मसाला पड़ेगा। तो अभी देखिए सारे ग्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा सत्तू डालने के बाद फिर से यही जीरा और काली मिर्च का मसाला डाला जा रहा है। और नींबू इसमें देखिए एक बार डल चुका है, अभी एक और बार नींबू आ रहा है। और ये इतनी सारी चीजें डल रही हैं, और ग्लास का साइज भी आप देखिए कितना बड़ा है, लेकिन कीमत केवल 12 रुपए है। अब भैया फिर से सत्तू आएगा, इसमें कुछ और भी आएगा? अच्छा चटनी भी आएगी अभी। हाँ पुदीने का है, पुदीने की चटनी। तो गर्मियों में तो बहुत रिफ्रेशिंग हो जाएगा। आप देखिए ढेर सारा इसमें नींबू डला है, चना है ही, और ये पुदीने की चटनी डाली जा रही है रिफ्रेशिंग करने के लिए इसे। और आप देखिए फिर से ग्लासेस के अंदर डाला जा रहा है, ये इस बार पूरा भर दिया गया है ग्लास। तो भैया और कुछ भी आएगा इसमें या इतना ही है बस? जीरा गोल मिर्च। अच्छा जीरा गोल मिर्च और आएगा अभी ऊपर से, नीचे भी मसाले डाले हुए हैं, बीच में भी मसाले हैं, चटनी है, और अभी ऊपर भी आएंगे इसके। तो ये देखिए जितने भी ग्लासेस हैं सभी के अंदर भर भर के सत्तू डाल दिया है, और आप देख सकते हैं कितने ग्लासेस यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और ऊपर से इसके फिर से वही डाला जा रहा है जीरा और काली मिर्च का पाउडर, और अभी ये फाइनली तैयार हो गया है। तो दबा दीजिए भैया एक ग्लास दे दीजिए। अच्छा हल्का सा इसमें ऊपर से और प्याज डाला है, और ये तैयार हो गया 12 रुपए का ग्लास। और आप साइज देखिए कितना बड़ा है, और प्रोटीन लोडेड है। टेस्ट देखा जाए कैसा है गाइस, ना केवल टेस्ट में बढ़िया है बल्कि बहुत हैवी है। जहां तक मुझे लगता है एक ग्लास ही पूरा पेट भर देगा मेरा। नींबू का स्वाद आ रहा है, हरी मिर्च डली हुई है उसकी वजह से तीखापन आ रहा है, तो खट्टा भी है तीखा भी है और बहुत गाढ़ा है। सत्तू मैंने पहले भी पिया है दिल्ली में कई बार, लेकिन इतना बढ़िया सत्तू ये लाइफ में पहली बार पी रहा हूँ। केवल 12 रुपये का ग्लास है, मज़ा आ गया पीकर। अगर ये वीडियो देखकर आपको मज़ा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। सत्तू पीना चाहिए। किस लिए? पेट को ठंडा रखता है। पेट को ठंडा रखता है।